दोस्तों, जीवन में आपको और हमें ऐसा काम करना चाहिए कि आपकी वजह से आपकी जो कंपनी है, आपकी वजह से जिन चीजों का आप उपयोग करते हो, उन चीजों की वैल्यू आपकी वजह से बन जाए। इस तरीके का जीवन आपको और हमारा नहीं होना चाहिए कि चीजों की वजह से हमारी वैल्यू बन रही है। जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं, यहां पे बहुत ज्यादा दिखावा भी लोग करते हैं, चीजों की वजह से लोग अपनी वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, चीजों की वजह से अपनी कंपनी की वैल्यू को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक रियल स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि अपने आप को हमें इतना सक्षम बनाना चाहिए कि आप जहां पे जिस भी जगह पे आप बैठ जाए, उस जगह की वैल्यू आपकी वजह से बननी शुरू हो जाए। अभी कुछ समय पहले कपिल शर्मा का जो शो आता है, कॉमेडी शो आता है, उसके अंदर रणधीर कपूर जी आए थे, जो एक फिल्म अभिनेता है और राज कपूर जी के बेटे हैं, और हिंदी फिल्मों में बहुत काम उन्होंने किया है और काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में भी उन्होंने फिल्म जगत को दी है। तो कपिल शर्मा ने उस वक्त उनसे बचपन के कुछ सवाल पूछे थे कि बचपन में जब आप स्कूल में जाते थे या कहीं भी आना जाना होता था, तो क्या आपको एक लग्जरी लाइफ मिलती थी, या जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं उस तरीके से ही आपको भी अनुशासित होकर रहना पड़ता था कि भाई राज कपूर जी के बेटे हैं, कपूर खानदान के बेटे हैं, तो अलग से कोई ट्रीटमेंट मिलता था। तो रणधीर कपूर जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि ऐसा नहीं है, हमारे पिताजी ने जैसे नॉर्मल बच्चे स्कूल में जाते थे उसी तरीके की शिक्षा हम लोगों को दी, उसी तरीके से जैसे नॉर्मल बच्चे बसों में जाया करते थे उसी तरीके से हम भी स्कूल जाया करते थे, और कहीं भी आना जाना होता था तो एक साधारण बच्चे की तरह ही हमारा पालन पोषण बचपन में किया गया। फिर बातों बातों में ये जिक्र आया कि भाई क्या आप गाड़ियों में जाया करते थे, तो रणधीर कपूर जी ने एक बहुत अच्छी बात वहां पे बताई जो मैसेज इस वीडियो में आपको मिलेगा। उन्होंने बोला कि जब तक मैं स्कूल कॉलेज के अंदर गया तब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन जब मैं फिल्मों के अंदर एंटर हुआ और मैंने फिल्में करनी शुरू कर दी, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई ना कोई एक गाड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी गाड़ी के मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो एक छोटी सी गाड़ी मैंने ली, और छोटी सी गाड़ी के अंदर ही मैं फिल्म स्टूडियो जाता था, एक्टिंग करता था, अपने घर आ जाता था, कहीं भी आना जाना होता था उसी गाड़ी के अंदर मैं आता जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक रेड लाइट पे एक गाड़ी रुकी और एक भिखारी भीख मांगने के लिए उनके पास आया, और जैसे उसने गाड़ी में, उसको नहीं मालूम था कि रणधीर कपूर बैठे हैं फिल्म में, उस भिखारी ने देखी होंगी, वो रणधीर कपूर को देखते पहचान गया। उसकी रोज की आदत थी कि गाड़ी रुकना है, जैसे रेड लाइट पे आप देखते हो भिखारी आता है भीख मांगता है, तो जैसे ही उसने गाड़ी में देखा रणधीर कपूर बैठे हुए थे, तो रणधीर कपूर जी ने बताया कि उसने एक ऐसी बात बोली कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया। तो उसने कहा कि तुम रणधीर कपूर हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा यार क्या तुम बेकार की बातें करते हो, फिल्मों में तो तुम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर आते हो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी दिखाते हो, कितने रईस हो, और क्या ये छोटी सी गाड़ी में आप घूम रहे हो, बेकार सी गाड़ी में आप घूम रहे हो, मतलब जस्ट लाइक ए, रणधीर कपूर जी बोले कि जैसे उसने मुझे कोई गाली दे दी हो, इस तरीके से उसने मेरी वहां पे बेइज्जती की, हंसते हंसते उन्होंने बताया। और फिर मुझे बड़ा अजीब भी लगा कि इसने मुझे क्या बोला। तुरंत मैं घर गया और घर जाते ही मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि भाई तुम्हारे पास कितनी सेविंग्स है, कितने तुम्हारे पास पैसे हैं? उन्होंने कहा क्यों? कह रहे मुझे एक बड़ी गाड़ी लेनी। तो मेरी वाइफ ने कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ पैसे मैंने अपने प्रोड्यूसर से उधार लिए, और उसके बाद मैं एक बहुत शानदार, उस टाइम की एक लग्जरी गाड़ी, अच्छी गाड़ी जो है, अपने घर में बड़ी गाड़ी लेके आया। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई व्यक्ति आपको बोल देता है, या किसी को दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक बहाव में बह जाते हैं, उसको दिखाने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी ले आते हैं कि भाई देखो बड़ी गाड़ी है मेरे पास, बड़ी गाड़ी है, किसी को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, जमाने को दिखाने के लिए हम ले आते हैं। तो ऐसी वो भी गाड़ी ले आए, और जब गाड़ी लेके आए तो फिर उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि पापा जी मैं ये गाड़ी लेके आया हूँ। राज कपूर साहब ने वो गाड़ी देखी, आशीर्वाद दिया उनको कि बहुत तरक्की करो और आगे ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम अपने जीवन में खरीदो। कह रहे फिर मैंने अपने पापा से बोला कि जिस तरीके की गाड़ी मैं लेके आया हूँ, आप भी एक ऐसी गाड़ी ले लो, क्योंकि आप राज कपूर हो, तो राज कपूर के पास ऐसी गाड़ी तो होनी चाहिए। तो जो मैसेज है वो अब आगे जो राज कपूर जी ने उनको दिया, रणधीर कपूर जी को दिया, वो मैसेज अब वीडियो के अंदर आपको सुनने को मिलेगा। राज कपूर जी ने बोला कि इन गाड़ियों की तुम्हें जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी अभी कोई पहचान नहीं है, अभी तुम नए नए इस इंडस्ट्री के अंदर आए हो,
तो कोई पहचान अभी तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हें इस गाड़ी की जरूरत है। जब तुम इस गाड़ी में बैठ के जाओगे तो लोग गाड़ी को भी देखेंगे और तुम्हें भी देखेंगे। लेकिन मैं राज कपूर हूं, मैं अगर बस में भी जाऊंगा तो लोग बोलेंगे देखो राज कपूर बस में जा रहे हैं। तुम्हें जरूरत है, तुम जब इस गाड़ी में बैठोगे तो लोग गाड़ी भी देखेंगे और तुम्हें भी देखेंगे। यानी कि इस छोटी सी बात में उन्होंने जीवन का, राज कपूर जी ने बहुत बड़ा मैसेज दिया, जो रणधीर कपूर जी ने बताया कि इंसान की खुद की जब वैल्यू बन जाती है ना, उसके बाद आप साइकिल पे चल रहे हो लोग आपकी तारीफ करते हैं, उसके बाद आप मोटरसाइकिल पे चलते हो लोग आपकी तारीफ करते हैं, उसके बाद आप जमीन पे बैठते हो लोग कहते हैं देखो कितना महान इंसान है जमीन पे बैठा है, उसके बाद आप रोड साइड किसी कॉर्नर में किसी भी दुकान पे खड़े होके अगर आप चाट पापड़ी भी खाते हो तो लोग आपकी वीडियो बनाते हैं, लोग आपकी फोटो क्लिक करते हैं, देखो कितना बड़ा आदमी रोड पे एक छोटी सी दुकान पे खड़ा होके कुछ खा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से या उस मैसेज के माध्यम से हम एक चीज समझ सकते हैं कि हमें वस्तुओं की वजह से आपकी वैल्यू बने इस तरीके से नहीं बनना चाहिए। आपकी वजह से किसी वस्तु की, किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी जगह की वैल्यू आप जब जब पहुंच जाएं, आपके पहुंचने से, आपके बैठने से, आपकी उपस्थिति से उस जगह की वैल्यू, उस व्यक्ति की वैल्यू या उस वस्तु की वैल्यू बन जाए। अभी आपने देखा होगा मुंबई के अंदर और दिल्ली के अंदर एप्पल के शानदार स्टोर खोले गए और उस स्टोर की ओपनिंग के लिए एप्पल के जो CEO हैं टिम कुक वो आए हुए थे। आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, उस स्टोर की ओपनिंग करते समय टिम कुक ने क्या पहना था, एक ब्लैक टी शर्ट और एक पैंट। कोई किसी भी तरीके का दिखावा नहीं, किसी भी तरीके का कोई इस तरीके से नहीं, कोई सूटेड बूटेड हो और इस तरीके की कोई भी वहां पे चीजें नहीं थी, और बहुत सिंपल तरीके से वो पब्लिक के बीच में आए, तालियां बजाएंगे, एक ब्लैक कलर की टी शर्ट। नो डाउट टी शर्ट बहुत महंगी होगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा दिखावा वहां पे उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो अपने आप में एक ब्रांड है, वो प्रोडक्ट अपने आप में ब्रांड है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन को आप ऐसा बनाइए, ऐसा नहीं पता लगा ये गाड़ी ले ली है, अब उसी गाड़ी को आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उस गाड़ी के बारे में ही बताते जा रहे हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये गाड़ी है। हाँ, गाड़ी आपने लिए एक बार सेलिब्रेशन जरूरी है, मकान आपने लिया एक बार सेलिब्रेशन जरूरी है, वो सब चलता है। लेकिन हर जगह अगर आप दिखावा करते हैं, मेरे पास ये मोबाइल, मेरे पास ये गाड़ी है, यानी कि वस्तुओं को दिखा दिखा के अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति या सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाइए कि जहां पे आप खड़े हो जाएं उस चीज की वैल्यू अपने आप बढ़नी शुरू हो जाए, फिर आप एक सफल इंसान हैं। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, अपनी जो कीमत है, अपने अंदर की जो ताकत है, अपने अंदर की जो नॉलेज है, अपनी सफलता को जिस दिन आप बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, अपनी सफलता को जिस दिन आप बड़ा कर लेंगे, तो चीजें आपके सामने छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। तो यही मैसेज उस वीडियो के माध्यम से, रणधीर कपूर जी की वीडियो के माध्यम से हम लोगों को मिला, जो मैंने आप तक पहुंचाया है कि वस्तुओं की वजह से आपकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आपकी वजह से वस्तुओं की वैल्यू होनी चाहिए। आशा करता हूं इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।